के अंदर आपकी फ्रेंचाइजी है, 17,000 फ्रेंचाइजी। सुनो एक मिनट, सुनो आप बात सुनिए, इनका जवाब दो ना फिर इनके। विजिटेड द डोमिनोज ब्रांच ऑफ कैथल डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा इंडिया ऑन 15 फरवरी 2020। आप लोगों को यही सिखाया गया, अभी कोई आए आपसे बात करने आप पीछे छुप जाए, रैक के पीछे क्या क्या कहें आप, ये जो आप छुप रहे पीछे जा करके, क्या है ये गड़बड़ है, ये दाल में काला दाल काली या पतीला काला है, आप आगे आइए ना, बताइए बता क्यों नहीं रहे आप। वो जितेंद्र जी कहाँ गए, सीनियर कहाँ गए आप लोगों के, मैनेजर कहाँ गए, आप लोगों के स्टेट हेड कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट हेड कहाँ है, सब कोने में छुपे, आइए कैमरा दिखाइए। ऐसे नहीं है, चिट्ठा लेके पहुंचे हम यहाँ पे, पूरी सबूत लेके साथ पहुंचे, आप पीछे छिप रहे हैं। सभी दर्शकों को देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। आज मैं पोलाइट में बात करूंगा, शुद्ध हिंदी में बात करूंगा, क्योंकि मुद्दा है थोड़ा इंटरनेशनल। डोमिनोज पिज़्ज़ा का नाम आपने सुना होगा, जो बर्गर में पास्ता में काम करे हैं, और थोड़ा देसी डिक्शन भी आते रहोगे शायद। मैं पोलाइट इसलिए बोलना चाह रहा हूँ शुद्ध हिंदी में, ताकि पूरे इंडिया के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल तक ये मुद्दा जाए, क्योंकि मुद्दा ये है डोमिनोज की, जो आपने देखे होंगे डिलीवरी बॉय जहाँ जहाँ भी जाते हैं, घर घर में पहुँच जाते हैं, ऑर्डर हम जब देते हैं जब, तो डिलीवरी बॉय जाते हैं पिज़्ज़ा 9 दिसंबर 2021 को 51 साल पूरे करने जा रही है, 17,000 इसकी फ्रेंचाइजी है, और आज खुद हमें खबर है, खबर इसलिए है क्योंकि डॉक्टर विनय मेरे साथ हैं, और खुद एक उपभोक्ता के रूप में और एक पीड़ित के रूप में भी हमारे साथ खड़े हैं, और आप भी एक बार हमारे दर्शकों को नमस्ते, राम राम, हाय हेलो सब, नमस्कार, राम राम सभी दर्शकों को कर्मो भाई जी। डॉक्टर विनय आप मेरे को बताओ कहाँ समस्या, क्योंकि हमारा आज का मुद्दा ये है, क्या डोमिनोज पिज़्ज़ा धोखाधड़ी कर रही है, क्या आपके साथ कोई खेला हो रहा है, या फिर ई गोला पर कोनो फिर की देवत है, तो ये इंटरनेशनल मुद्दा हो सकता है, और आज हम पोलाइट में ही बात करेंगे, शुद्ध हिंदी में बात करेंगे, ताकि यह खबर पूरे मतलब ओवरऑल इंडिया के अलावा बाहर भी जाए, और हम प्रूफ के साथ बातें रखेंगे, और डॉक्टर विनय हमारे को बताएंगे, थोड़ा लाइट में आ जाओ, हम डोमिनोज के अंदर भी जाएंगे और सारी बातें बताएंगे। भाई होता ये है कि आज मैं पिज़्ज़ा खरीदने के लिए यहाँ पर आता हूँ डोमिनोज कैथल ब्रांच में, और इसके बाद मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ, वेज लोडेड पिज़्ज़ा, मेरे से 152 रुपए की डिमांड की जाती है, मैं गूगल पे के थ्रू 152 रुपए पे कर देता हूँ, मेरे अकाउंट से 152 रुपए कट जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि जी मेरा पिज़्ज़ा दे दीजिए आप, 152 रुपए मेरे कट गए हैं, तो वो बोलते हैं कि जी 152 रुपए आपके तो कट गए, हमारे पास नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ये कब आपने मतलब लास्ट टाइम की, कब की बात है ये? एक घंटे पहले की बात है, आज की ही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर कि मैं इनको बोलता हूँ कि मेरे पैसे तो कट गए हैं, और मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है, मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ कि आपको बार बार पैसे दो, वो बोलते हैं कि दोबारा पैसे दो अगर आपको ये ऑर्डर लेना है तो, वरना आपको पिज्जा नहीं खिलाया जाएगा। अच्छा। और वो बोलते हैं कि अगर ये 152 रुपए है सर, ये आपके एक हफ्ते में रिफंड हो जाएंगे। डॉक्टर विनय मैं रोकूंगा जी, मैं दर्शकों को कहूंगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, आज मैं भी पोलाइट में और शुद्ध हिंदी में हम चाह रहे हैं ताकि इस समस्या का सोल्यूशन हो, क्योंकि एक कस्टमर के साथ यदि कोई धोखा होता है, और पूरे इंडिया की हम कैलकुलेशन करें या पूरे वर्ल्ड की कैलकुलेशन करें, 17,000 फ्रेंचाइजी हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा की, और उन पे यदि इस तरह जिस तरह डॉक्टर विनय बता रहे हैं, ये हम प्रूफ के साथ बताएंगे किस तरह धोखेधड़ी हुई, इनके पैसे डिडक्ट हो गए अकाउंट से, और वो कह रहे हैं भी हमारे पास नहीं आए, आप ऐसा करो जब हमारे पास आएंगे आपके रिफंड हो जाएंगे, तब तक आप दोबारा से डाल दो ऐसा कुछ, अगर आपने पिज्जा लेना है ये वाला जो आपने ऑर्डर किया तो दोबारा पैसे दो, वरना उसके बिना पिज्जा नहीं मिलेगा, ये बात आपको बोली है, ये बोली है सर। उसके बाद जी, उसके बाद क्या होता है सर, मैं इनको बोलता हूँ कि जी 15 फरवरी 2020 को भी मेरे पैसे कटे थे और वो अब तक वापस नहीं हुए हैं, आपने तब भी यही बोला था कि एक हफ्ते में वापस कर देंगे, पहले का भी कोई मामला है जी, पहले एक बार सबूत हम दिखाएंगे, आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर ही हम सबूत दिखाएंगे, आ जाओ आ जाओ, ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहिए, सभी दर्शकों को कहेंगे दिखाओ जी आप, डॉक्टर विनय सबूत दिखाओ, होता क्या है सर कि देखिए हम डोमिनोज पिज़्ज़ा के अंदर आ गए हैं, ये 15 फरवरी 2020 की अकाउंट स्टेटमेंट है मेरी HDFC बैंक की, जिसमें 141.76 रुपए यहाँ पर डिडक्ट हुआ है, जो मैंने पे किया था गूगल पे से डोमिनोज को अपना पिज्जा खरीदने के लिए, उस ये है तारीख, एक बार मैं कैमरामैन अमित गणकर को कहूंगा एक बार दिखाए वो, ये 15 फरवरी 2020 कितने पैसे डिडक्ट हुए हैं, 141.76 रुपए, ओके जी, तो ये आपके रिफंड हुए अभी तक? नहीं सर, उसके बाद क्या होता है कि ये मेरे को उस टाइम भी यही बोलते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे, लेकिन कोई इनका रिस्पांस नहीं आया, कोई रिफंड नहीं आया, मैंने मेल भी डाली सर सेम डे डोमिनोज को, तो मैं दिखा यही वाला वाक्य रिपीट हुआ आज, हाँ यही वाला वाक्य रिपीट हुआ, और मैंने मेल भी डाली इनको, ये देखिए मैनेजर सर उधर बैठ, हम सभी दर्शकों को कहेंगे आज मैं ना अपनी हरियाणवी छोड़ के इस मुद्दे को, क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दा है, हम शुद्ध हिंदी में पोलाइट में इस मुद्दे को भेजना चाहेंगे, ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहे, कौन है मैनेजर यहाँ पे, मैनेजर कौन है जी, एक बार बात करवाओ आप हमारी, आप एक बार आइए, कौन है मैनेजर, आप आओ वोट शीट पे आओ,
या एक एक तरफ हमारे ये तो हाँ बताओ आप जो इनका पेमेंट कटा हुआ है 7 दिन का मैंने इनको बोला टाइम 7 दिन में इनका आ जाएगा उसके लिए मैं ना नहीं कर रहा पिज्जा इनका बना के रखा दोबारा। क्या नाम आपका? जितेंद्र जी। लोग पता कितना विश्वास करते हैं आप लोगों के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपकी फ्रेंचाइजी 17,000 फ्रेंचाइजी। सुनो एक मिनट, सुनो आप बात सुनिए एक मिनट, इनका जवाब दो ना फिर इनके। मैं इनको बोला आपका रिफंड आ जाएगा 7 दिन में, आपका रिफंड आ जाएगा बैंकिंग। अरे भैया 2 साल में नहीं आया रिफंड, फरवरी 2020 का। मुझे इन्होंने कोई डिटेल ही नहीं दी, ये नहीं बता रहे थे ये। अब दे दो मुझे, मैं आपको 7 दिन में रिफंड। आप तो ये करते, हम तो देख नहीं सकते स्क्रीन पे, हम तो कुछ नहीं बता सकते। आपने इनको बोला डॉक्टर मीना को? सुनिए नहीं नहीं आप सुनो, भागो मत, आप सवालों से मत भागो। ये देखो, ये देखो, ये डॉक्टर मीना सबूत के साथ हमारे को बता रहे हैं, ये 15 फरवरी 2020। आप बताओ एक बार सर, 15 फरवरी 2020 को मेरी पेमेंट डिडक्ट होती है 141.76 रुपए यहाँ डोमिनोज में, और मुझे बोला जाता है कि अगर दोबारा पैसे नहीं दिए तो आपको पिज्जा नहीं मिलेगा और 141 रुपए आपके एक हफ्ते में वापस आ जाएंगे। मैंने सेम डे मेल डाली डोमिनोज की मेल आई डी पे, मेरे को एक हफ्ते बाद तो डोमिनोज का रिप्लाई आया कि भी आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली और आपका कंप्लेंट नंबर ये है। लेकिन अब 1 साल 9 महीने हो गए हैं, कोई रिफंड नहीं आया और आज दोबारा ये प्रॉब्लम फिर से आ रही है। जितेंद्र जी सुनो, 17,000 फ्रेंचाइजी आप लोगों की, 51 साल आप लोगों को हो गए, और ये बात सिर्फ 141 रुपए की नहीं है, बात ये भी इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा नेटवर्क आप लोगों का है, और उसके बावजूद एक जगह एक यदि एक कंज्यूमर 141 रुपए की यदि धोखाधड़ी होती है तो पूरा दिन में लाखों आपके कंज्यूमर हैं, उसको आप 141 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कैलकुलेशन होगी? कैलकुलेटर में आएगी नहीं कैलकुलेशन? जी बिल्कुल, एक दिन की जो घपला है या जो इस तरह के फ्रॉड है, मैं कहूंगा इसको कि ये लाखों रुपीज में जाएगा। और हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें डोमिनोज को बर्बाद करना है, टेस्ट में ये अच्छे हैं इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोगों, अब देखिए सर एक और बात भी है ना, कि मान लीजिए कोई आप फैमिली के साथ यहाँ पे पिज्जा खाने आ रहे हैं, ये तो 141 रुपए है, कोई 1,000 रुपए अगर पे कर देता है सपोज कीजिए, तो 1,000 रुपए पे कर देता है और वो ये कहते हैं कि आपके 1,000 रुपए तो कट गए लेकिन हमारे पास नहीं आए। अब उस बंदे के पास अगर और 1,000 रुपए नहीं हुए तो वो फैमिली के साथ क्या मुंह दिखाने लायक रहेगा यहाँ पे करवाएगा? सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए हमारे, बिल्कुल प्यार से हम पूछ रहे हैं आपसे, इनके 15 फरवरी 2020 के 141 रुपए अभी लगभग 1.5 साल से भी ऊपर हो गया, 1 साल 9 महीने हो गए और अभी तक नहीं आए, जिस तरह आप कह रहे हैं ना एक हफ्ते में आ जाएंगे, ये तो 1 साल 9 महीने हो गए हैं अभी तक नहीं आए, आप इसका जवाब दे दो। लाइव में नहीं बताऊंगा, यदि यहाँ कोई और कोई समस्या हो जाए और आप कहेंगे लाइव में हम बताएंगे, नहीं फिर तो समस्या का समाधान नहीं होगा। आपके पास ये बैठे थे डॉक्टर मीना ने आपके साथ जिक्र किया बताया, लेकिन आप लोगों ने कोई बात मेरे को क्या बोला कि हम सिस्टम में चेक करके नहीं बता सकते, आप अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ले आओ। सर मैंने कहा कि ठीक है मैं देख लेता हूँ, शायद मुझसे ही कोई गलती लगी हो, मैं तुरंत जाके अपनी 15 फरवरी से लेके आज तक की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ये 106 पेजों की लेके आया हूँ और इसमें कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर मेरे पैसे तो डिडक्ट हो गए हैं लेकिन वापस नहीं आए हैं। कमेंट आ रहे हैं डॉक्टर मीना, वो कह रहे हैं वो डेट दिखाओ 15 फरवरी 2020 पे ऑर्डर किया था, तो ऑर्डर करने के बाद और इनके पैसे डिडक्ट हो गए तो इन्होंने इनको कमिटमेंट किया विद इन 1 वीक आपके पैसे आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद 1 साल 9 महीने बीत जाने के बावजूद डॉक्टर विनय के पास सिर्फ और सिर्फ एक सबूत है लेकिन इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भी लाइव में हम कुछ नहीं बोल सकते। तो आप एक बात देखो, इतना बड़ा नेटवर्क है तो आप इस सिस्टम में भी नहीं चेक कर सकते इनके पैसे आए या नहीं आए? हम तो सबूत दिखा रहे हैं आपको, ये सबूत देखो आप, जितेंद्र जी सबूत देखिए आप, ये सबूत क्यों नहीं देख रहे? आप इधर देख क्यों नहीं रहे, हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे आप सबूत देखो, देखो आप सबूत क्यों नहीं देख रहे? आप इस बात को हल्के में ले रहे हैं, 17,000 फ्रेंचाइजी आप लोगों की, हमारा मकसद आपको बदनाम करना नहीं लेकिन इस सच्चाई से क्यों भाग रहे हो? एक कंज्यूमर के साथ 141 रुपए की ठगी एक बार होगी और दिन में यदि 3 बार ऑर्डर हो गए तो 300, 400, 500 का तो एक दिन रिफंड आएगा, ये बोल तो रहे ना रिफंड इनको बोला आएगा आपका, कब आएगा? 1 साल 9 महीने हो गए, कब आएगा? बैंक का 7 दिन का प्रोसीजर है, 7 दिन में पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी, लेकिन माने दो नहीं माने। अरे भाई आप कमाल कर रहे हो, तारीख पे तारीख वाली बात कर रहे हो, 1 साल 9 महीने हो गए अब तक तो आया नहीं, इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसके बारे में मुझे कोई डिटेल्स नहीं इन्होंने दी, अगर दे देते हैं तो मैं इसको भी चेक करवा लेता। करो ना, सुनिए सुनिए आप सुनिए जितेंद्र जी, इतना बड़ा नेटवर्क है आप लोगों का, आप ये क्यों कह रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं भाई हमारे को, हमारे पास डिटेल नहीं है? करो सर, आपके पास इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है, आईडी नंबर है और बकायदा आपके पास डिटेल होती है। ट्रांजैक्शन आईडी दी नहीं इन्होंने हमें कोई, नहीं आपके पास सिस्टम है, चेक करो इस तारीख में भाई क्या ऑर्डर हुआ था, कितने बजे का टाइमिंग थी, आपके पास पूरी डिटेल होती होगी भाई जो जिस तरह ये ऑर्डर हो गया।
इसकी डिटेल नहीं है कहाँ से किसका ऑर्डर है? नहीं मैंने मेल की हुई है सर, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मेल दिखाता हूँ मैं। मैंने साफ तौर पे 15 फरवरी 2020 को ही डोमिनोज की मेल पे ये मेल की थी कि मेल देख सकते हैं जी, मेल भी आप देख सकते हैं जो अपनी स्क्रीन पे कि 15 फरवरी 2020 को सेम डे मेल किया है कि जी मेरे को 1:35 पे मैंने पिज्जा खरीदा और मेरे 141.76 रुपए कट गए और मुझे पिज्जा भी नहीं दिया गया है और कृपया मेरी वो जो प्रिंटेड रिसिप्ट है उस जी। डॉक्टर मैंने एक रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको इंग्लिश में बोले क्योंकि इंटरनेशनल होता है, आप इसको इंग्लिश में मेल में जो पर्टिकुलर लिखा है बोलो आप। आई विजिटेड द डोमिनोज ब्रांच ऑफ कैथल डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा इंडिया ऑन 15th February 2020 एंड आई ऑर्डर्ड ए पिज्जा वेज लोडेड विद दिस ब्रांच एंड दे डिडक्टेड माई 141.76 रुपीज थ्रू गूगल पे बट दे सेड दैट दे हैव नॉट रिसीव्ड द मनी ऑफ 141.76 रुपीज देयरफॉर यू हैव टू मेड अगेन द पेमेंट एंड देन यू विल गेट द पिज्जा अदरवाइज वी विल नॉट गिव यू पिज्जा एंड यूर पेमेंट विल बी रिफंडेड इन विद इन 7 days। आई इमीडिएटली मेड एन ईमेल टू दिस डोमिनोज कंपनी, दे रिप्लाइड मी आफ्टर 1 week दैट ओके वी हैव गेट यूर मेल एंड वी आर लुकिंग इन टू इट सी ऑन 21st February 2020 दे आर रिप्लाइंग मी दैट दे विल लुक इन टू द मैटर बट टिल नाउ 1 year 9 months हैव इलेप्स बट माई पेमेंट हैज नॉट बीन रिफंडेड एंड बींग एन इंटरनेशनल कंपनी डोमिनोज मस्ट टेक द कॉग्नाइजेंस ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ दिस जनरल कस्टमर बिकॉज यू हैव 17,000 pan world branches all over the world in all the continents. If all the customers are getting such kind of frauds in a single branch, then you can multiply the fraud scam with the 17,000 and you will easily get the number that how much big scam is this that once you're... बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप देखो हम ये बताना चाह रहे हैं भाई यदि 141 रुपये 3 बारी भी यदि ऑर्डर हो गए, यदि 3 बारी अपने दोस्त, ये तो एक है, यदि दोस्त आ गए 3-4 तो कितने का बिल हो जाएगा? लगभग 700-800। और यदि इन्होंने पेमेंट की डिडक्ट हो गई, फिर ये कह रहे हैं भाई आप एक बार है ना दोबारा पेमेंट कर दो और आपकी जो डिडक्ट हुई है वो पेमेंट हम दोबारा रिफंड कर देंगे। 1 साल 9 महीने में डॉक्टर विनय की पेमेंट नहीं आई, बात 141 रुपये की नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करो आप। यदि एक दिन में एक कस्टमर एक कंज्यूमर 500 रुपये इनको डोमिनोज पिज्जा को देता है तो 500 रुपये के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में 17,000 फ्रेंचाइजी हैं, फिर उनका क्या होगा? यानी कि ये करोड़ों में चला जाएगा, ये स्कैम है क्या? ये हम ये आशंका जाहिर कर रहे हैं, हम यकीन के साथ बोल नहीं रहे, लेकिन सबूत जो बोल रहे हैं वो सबूत ये कह रहे हैं भाई इनके साथ धोखा हुआ, ये फ्रॉड है। इस सबूत के हिसाब से हम ये कह सकते हैं भाई 15 फरवरी 2020 को जो पिज्जा ऑर्डर करके इन्होंने यहाँ से खाया उसके पैसे दोबारा ले लिए थे, आपसे ले लिए थे उस टाइम जी। मैंने ये कहा कि मेरे आप पैसे ही रिफंड कीजिए, मेरे को आपसे दोबारा ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतना बड़ा अमीर आदमी नहीं हूँ कि मैं बार बार इनको एक पीस के पैसे की भी है सही ठीक और गलत की भी बात है। देखिए ऐसा होता है, इंडियन रेलवेज में भी पैसे डिडक्ट हो जाते हैं लेकिन वो रिफंड कर देते हैं, लेकिन डोमिनोज कंपनी जो अपने आपको इंटरनेशनल ब्रांड होने का दावा करती है, अगर वो कस्टमर्स के साथ ऐसे बिहेव करेगी, मेरे को पिज्जा रिफ्यूज भी किया गया। आप एक काम करिए जितेंद्र जी, आप है ना स्टेट हेड से बात करवाइए हमारी, जो हरियाणा के हेड है उनसे एक बार बात करवाइए आप हमारी, हम इस बात को, हो सकता है आपके यहाँ से दिक्कत हो, हम स्टेट हेड तक ये बात पहुँचाना चाहेंगे, या आपके अमेरिका से जहाँ से कम ये डोमिनोज पिज्ज़ा ऑपरेट किया जाता है रन हो रहा है तो वहाँ तक भी हम अपने संसार क्रांति की मेल से मेल भी करेंगे इस समस्या को लेकर के, क्योंकि ये आज आपको लग रहा है 141 रुपये का मुद्दा है, ये करोड़ों का स्कैम है। हम इनके देखो इमोशन से खेल रहे हैं हमारे साथ, ये हम इनकी बातों में आकर के पिज्ज़ा खा रहे हैं, जो पिज्ज़ा हम खा रहे हैं, लेकिन यदि हमारे साथ बाहर की कंपनी आ करके हमारे यहाँ पर पिज्जा की फ्रेंचाइजी इन्होंने बना रखी है और हम इनकी बातों पे विश्वास करके उसको खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा खाएं कोई दिक्कत नहीं, पैसे दे दें, पैसे ले लें, लेकिन पैसे के नाम पर डबल यदि पैसा डिडक्ट हमारा हो जाए और फिर ये कहें पैसा आपका वापस आ जाएगा और पैसा 1 साल 9 महीने बाद भी वापस नहीं आता है, ये हमारा बुनियादी सवाल है। आप एक बार स्टेट हेड से बात करवाइए हमारी, आप एक बार स्टेट हेड से बात करवाइए, ये बहुत बुनियादी और गंभीर मुद्दा है, इसको आप हल्के में क्यों ले रहे हैं? आज मेरे को भी आज अपनी हरियाणवी छोड़ करके शुद्ध हिंदी में बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दा है। आप ये देखिए ये पिज्जा खा रहे हैं ये बच्चे, इधर आप देखिए ये पिज्जा खा रहे हैं, ये विश्वास के साथ आते हैं यहाँ पर, ये विश्वास के साथ आते हैं। हाँ एक एक, एक दिग्विजय राणा भाई ने कैलकुलेशन भेजी है 141 = 1 lakh, तो ये देखिए डॉक्टर विनय ये देखो कैलकुलेशन आप ये देखिए आप जी, लगभग इसने बताया है कि 1,41,00,000 रुपए पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, तो ये यदि महीने में और साल में कैलकुलेशन करें तो ये अरबों में चला जाएगा। क्या डोमिनोज पिज्जा एक स्कैम कर रहा है या इनके यहाँ से गड़बड़ है या
ऊपर से गड़बड़ है। हमारा मामला ये, हम ये चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम आरोप ही नहीं लगा रहे लेकिन सबूत दिखा रहे हैं। इन सबूत के हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में लिखें क्या डोमिनोज पिज्जा हमारे साथ धोखा कर रहा है या हम वैसे भौंक रहे हैं। और जी, और किसी को अगर किसी को सेम प्रॉब्लम आई है, चाहे डोमिनोज पिज्जा हो या कोई भी आउटलेट हो, कोई भी आउटलेट हो, हम डोमिनोज को सिर्फ एक टारगेट नहीं कर रहे हैं, डोमिनोज का तो भुक्तभोगी मैं हूँ। अगर कोई और ब्रांड से कोई कॉस्ट्यूम्स आपने कपड़े खरीदे हैं और आपके पैसे रिफंड नहीं हो रहे हैं, तो इस मुद्दे को छोटा मत समझिए कि ये मेरे पैसे हैं, चलो 400-500 रुपए खर्च हो गए हैं, चले गए तो कोई बात नहीं। इस मुद्दे को रेज कीजिए क्योंकि विदेशी कंपनियां आके जिस तरह से अगर हमारे देश में आकर इस तरह से कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, पहली बात तो जी पिज्जा खाना ही सेहत के लिए हानिकारक बताया गया। थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा, यदि ये तो एक मैटर है ही है, बाहर की कंपनियां हम विश्वास कर रहे हैं, हम खा रहे हैं जैसा भी है वो, हम उस विषय पे भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ये है पैसे यदि डिडक्ट हुए तो हमारे को रिफंड क्यों नहीं हुए एक साल 9 महीने बाद भी। और दूसरी बात, बाहर की कंपनी और हम इनके ऊपर विश्वास करके ही तो लेते हैं, विश्वास पे ही तो आए होंगे। डेफिनेटली मैं तो आपका विश्वास हुआ या विश्वासघात हुआ? देखिए, मेरे को तो डोमिनोज की जो इमेज है उसके बारे में जो सुना था मैंने, बार बार मुझे उसके बारे में शक करना पड़ता है कि क्या डोमिनोज ऐसा भी कर सकता है। एक प्राइवेट कंपनी से उम्मीद कैसे कर सकते हैं, हम सरकारी कंपनी से तो कह सकते हैं लतर हो सकती है। सरकार ने कुछ कंज्यूमर भी बैठे हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। जी जी, ये देखिए, ये इनको देखिए, यदि इनके पैसे शायद इनको दो बार देने पड़ेंगे तो ये भी कैमरे पे आके कहेंगे भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए किस किस के साथ धोखाधड़ी हुई है। डॉक्टर विनय आकर के कह रहे हैं कैमरे पे, बात 141 रुपए की नहीं है। हाँ, अन्याय करना और अन्याय सहना, अन्याय करने से बड़ा पाप अन्याय सहना है। आज हमने पहले भी कहा था, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी से कहेंगे और आज भी कह रहे हैं, यदि डोमिनोज पिज्जा इतना बड़ा नेटवर्क है, 17,000 फ्रेंचाइजी आप लोगों की, आप मुंह क्यों छुपा रहे हैं, आप कोने में क्यों छुप रहे हैं, आप आगे आइए ना, बताइए, बता क्यों नहीं रहे आप? वो जितेंद्र जी कहाँ गए, सीनियर कहाँ गए, आप लोगों के मैनेजर कहाँ गए, आप लोगों के स्टेट हेड कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट हेड कहाँ है, सब कोने में छुपे हैं। आइए कैमरा दिखाइए, आप कोने में छुपे हुए हैं, क्यों छुपे हुए हैं बताइए, आप आगे आइए बताइए, या हम वैसे ही भोंक रहे हैं? एक बाहर की कंपनी, हम विश्वास करते हैं आप लोगों के ऊपर और विश्वास को आप विश्वासघात में तब्दील कर रहे हैं। समझ नहीं रहे इस बात को, आप छिपने से काम थोड़ा चलेगा, या तो इस चीज का क्लियर करो जवाब, आप दो इनको रिफंड करो ऑन द सपोर्ट, अभी कर दो और कहो भी हमारे से गलती हो गई है, तब भी हम ये कह दें भी चलो ठीक है दे रहा है दुरुस्त आए, क्यों नहीं कह रहे आप इस बात को, आप क्यों छिप रहे हो पीछे? जितेंद्र जी कहां गए, या आप स्ट्रेट हेड से बात करवा दीजिए आप हमारी फोन पे अभी। हम आप लोगों पे विश्वास करते हैं, बाहर की बहुत सारी कंपनी आई है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर इतनी सारी कंपनियों को हमने आपको मतलब आते हैं यहाँ और हम यहाँ इनके प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं, एक विश्वास ही तो है। और उस विश्वास कहते हैं एक कहावत है, पहले विष दे दो, विश्वास मत खो, विश्वासघात मत करो। कमेंट पे आ जैसे प्राइवेट कंपनी है किसान बोल रहा है, प्राइवेट कंपनी का वो भी अपने मर्जी का पावर कितनी बार भी हम ले सकते हैं। बिल्कुल भाई, हम तो अभी आप लोगों को एक मौका दे रहे हैं, आप इस पे आओ, अपनी बात रखो, स्पष्टीकरण दो, कल को ऐसा ना कहना भाई हमने अपनी अपनी बात रखी, हमने तो सबूत रखे हैं, ये हमारी बात नहीं है, सबूत बोल रहे हैं, ये पूरी डिटेल निकलवाई है, ऐसे नहीं है चिट्ठा लेके पहुंचे हम यहाँ पे, पूरी सबूत लेके साथ पहुंचे, आप पीछे छिप रहे हैं, ऐसे थोड़ा काम होता है। मैं दर्शकों से कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे भाई यहाँ पर यदि ये सबूत यदि बोल रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये गड़बड़ है। हम ये नहीं कह रहे और कितने कंज्यूमर के साथ ठगी हुई है, एक डॉक्टर विनय मेरे साथ खड़े हैं, ये बाय प्रूफ बात कर रहे हैं, यहाँ कोई वर्बली बातें नहीं हो रही, ये प्रूफ के साथ बात हो रही है और ये पूरी डिटेल निकलवाई है, हमने भी अपनी मेहनत की है इसमें। और ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप इसमें, आप आइए कैमरामैन को मैं कहूंगा दिखाएं आप एक बार दोबारा से, देखिए इसको शेयर करते रहिए, ऐसे छिपने से थोड़ा काम चलेगा, आप आगे आए बताएं कितना बड़ा नेटवर्क आप लोगों, आपने तुरंत एक जीप ला करके बोल दिया कि भाई हमारे सिस्टम में नीचे होगा, मजाक बना रखा है। और हमें पता है बहुत बड़ी कंपनी के साथ टक्कर ले रहे हैं, हमें पता है बहुत बड़ी कंपनी के साथ टक्कर ले रहे हैं, लेकिन यदि हम अन्याय सहते रहे तो अन्याय करने से बड़ा पाप अन्याय सहना है। आप भी पीछे छुप रहे हैं, आगे आगे नहीं आ रहे, तो किससे बात करें हम अगर यहाँ नहीं रखेंगे? क्या आप लोगों को यही सिखाया गया अभी कोई आए आपसे बात करने आप पीछे छुप जाएं, रैक के पीछे, क्या
क्या कहें आपकी, ये जो आप छिप रहे हैं पीछे जा जा करके, क्या है ये, गड़बड़ है ये, दाल में काला, दाल काली या पतीला काला है, पूरा पतीला ही काला है क्या? इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग, दे जवाब हमें। डॉक्टर विनय मैं वैसे ही भोग रहा हूँ क्या? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, मेरे को लगता है कि इनकी भी एक अपनी मजबूरी है, जिस तरह से कंपनियों ने एम्प्लॉइज के ऊपर अपना जो दबदबा बनाया हुआ है कि अगर ये कुछ भी बोलेंगे तो इनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। हाँ, लेकिन भुगतना कंज्यूमर को पड़ता है, अंत में भुगतना कंज्यूमर को पड़ता है, तो कंज्यूमर को ही जागरूक होना पड़ेगा। हम कंज्यूमर को जागरूक करने के लिए ही वीडियो हम दर्शकों के ऊपर छोड़ रहे हैं, ये अभी कैमरे पे आगे आने से ये कह के मना कर रहे हैं, हम लाइव में कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों भाई, आप लाइव में क्यों नहीं बोले? जब डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, आपके डिजिटल ऑर्डर होते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं, तो ऑनलाइन बोल क्यों नहीं सकते आप? ऑनलाइन यदि कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, कंज्यूमर, उस टाइम तो हेलो हेलो सर, डोमिनोज पिज्जा में आपका स्वागत है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तो ये मदद है, ये क्या मदद है? इस प्यार को क्या नाम दें? तो आप क्यों पीछे चुप रहे हैं? तो हम देखो, मैं दोबारा फिर हरियाणवी बोल गया था, हम दर्शकों के ऊपर छोड़ रहे हैं इस विषय को, ये सबूत देख लो, और दर्शकों से कह रहे हैं हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और आप लोग एक बार जरूर बताना कमेंट करके, भई ये डोमिनोज पिज्जा एक बाहर की कंपनी है, जो आज ये 9 दिसंबर 2021 को 51 वर्ष पूरे होने वाले हैं इस कंपनी के, 51 वर्ष, यदि मेरी जानकारी गलत ना हो तो। यही है डॉक्टर मीना जी? बिल्कुल, मैंने जो नेट पे सर्च किया, जब मैं देख रहा था कि इतिहास क्या है डोमिनोज का, तो उसमें साफ तौर से बताया गया था कि 9 दिसंबर 1960 को ये कंपनी फाउंड हुई थी, और उसके बाद से ये चलाए जा रहे हैं यहाँ पे ब्रांचेस पैन इंडिया 17,000 जो विकिपीडिया पर उपलब्ध है। हमने क्या नहीं दिया डोमिनोज को, पूरे भारतवासियों ने क्या नहीं दिया डोमिनोज को, कितनी सारी फ्रेंचाइजी है पूरे भारत में, क्या नहीं दिया हमने इनको, प्यार दिया, पैसा दिया, नाम दिया, शोहरत दी, और इन्होंने क्या दिया बदले में, धोखा। तो हम इस बात की जांच करवाना चाह रहे हैं, तो आप दर्शकों के ऊपर डिपेंड है, आप घर में खा रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं या हाँ के खा रहे हैं, तो आप देखो इस बात पे आओ, आपके भी पैसे डिडक्ट होकर के दोबारा मांगे थे क्या? कमेंट सेक्शन में आप कर देना, बता देना, और इसको पहुंचा दो पूरे उसमें, ना स्टेट हेड से बात करवा रहे हैं, ना डिस्ट्रिक्ट हेड से बात करवा रहे हैं, यहाँ पे जितेंद्र जी थे वो पीछे छिप गए हैं रैक के पीछे, तो गड़बड़ है। वो ACP प्रद्युम्न वाली बात है, CID वाली दया, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताना कि जो बाहर की कंपनियां आती हैं और हम इन पे विश्वास भी करते हैं, तो ये जो वाक्य हुआ है डॉक्टर विनय वाला, एक और अपील, तो इसमें कसूरवार कौन? एक और अपील भी करना चाहूंगा कि जो भी दर्शक वीडियो देख रहा है और जिसके फ्रेंड्स डोमिनोज में पिज्जा खाने जाते हैं, बाहर आउटिंग किसी भी आउटलेट पे कुछ खाने जाते हैं, उनको टैग करना ना भूलिए, ताकि वो भी जागरूक हो सके कि उनके साथ यदि ऐसा हो रहा है तो पैसे डिडक्ट ना हो, क्योंकि हमारे कुछ 100 रुपए बड़े स्कैम में यूज हो सकते हैं, तो उस चीज को बचाना है दोस्तों। एक चीज और, हम अपनी टेक्निकल टीम को बोलना चाहेंगे, इस टाइम पूरे के पूरे हैशटैग लगा दे, डोमिनोज के हैशटैग लगाओ, ताकि, और हम मेल भी करेंगे कंपनी को भी, और ये देखो कितने, ये देखो ये दिखा करके पूरी चकाचौंध क्या मक्खन मार रखा है इसमें, हैं? पता नहीं कौन कौन सी, ये डॉक्टर विनय आना एक बार इधर, बताइए एक बार हिंदी रूपांतरण करना इसका क्या क्या लिखा है इन्होंने, डोमिनोज इंट्रोड्यूसिंग चिलीशियस रेंज ऑफ ओवरलोडेड चीज पिज्जा, चीज डोमिनो डोमिनेटर विद 1 pound ऑफ चीज एंड 4 cheese विद 4 types ऑफ चीज, मींस चीज की बहाना लगाकर चीप है। नहीं देखिए, मैं सिर्फ डोमिनोज से यही अपील करता हूँ कि अगर आपको अपना नाम वाकई उसी स्तर का रखना है जिस स्तर का लोग आपको समझते हैं, तो इस तरह की दिक्कतें कंज्यूमर्स को ना आए। ये देखो ये देख रहे हैं, ये उपभोक्ता भी हो सकते हैं, ये देखो आप भी खाते हो कभी पिज्जा खाया कभी? ये देखो, ये आपके आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? इनकी डबल डिडक्शन हुई पैसे की, आ जाओ आप, हैं? ये देखो क्या होता है, 141 रुपए का मामला था फरवरी 2020 इन्होंने कहा 1 हफ्ते में दे देंगे, 1 साल 9 महीने हो गए, एक उपभोक्ता 141 रुपए का वो करता है, यदि 1 लाख उपभोक्ता पूरे उसमें एक दिन में करते हैं तो करोड़ों में एक दिन का घोटाला है, पैसे डिडक्ट हो जाते, फिर ये कहते हैं भाई हमारे पास आए नहीं, दोबारा पैसे दे दो, अब 141 रुपए का चक्कर है, दोबारा दे देते हैं, शायद आप भी दे दो। सही बात है, तो बढ़िया ना जी। हाँ, ये करोड़ों में, ये अरबों में जाएगी, ये अरबों में जाएगी, हम कैलकुलेटर यदि भाई खाते ले रहे हो तो उठा लो, कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेशन करो, चलो उस बात पे भी नहीं हम जाते, हमारे को इसका सोल्यूशन दे दो, ये छुप रहे हैं, ये भाग रहे हैं, ये पीछे से आप कितनी बार इनको बोल दिया, स्टेट हेड से बात करवा दो, क्यों नहीं करवा रहे हमारी बात, ना डिस्ट्रिक्ट हेड से बात करवा रहे, तो इस पे हम इस
एक बार इधर आ जाओ, अमित गणगस को कहूँगा कैमरामैन को इधर आ जाओ, एक बार दोबारा से इसी पर छोड़कर हम वापस जा रहे हैं। और ज़्यादा ज़्यादा एक मिनट भाई, जितने भी देखो 1600 दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं, मैं नुकूँ फिर आज आप भाई भी सोचते हो करमू हरियाणवी बोला करता, आज शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहा है, ये इंटरनेशनल मुद्दा है। आज मैं शुद्ध हिंदी में दोबारा फिर बताऊँगा, इस वीडियो को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बाहर की कंपनियों को विश्वास करके हम उनसे प्रोडक्ट लेते हैं और उस विश्वास को, विश्वास की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं 1 साल 9 महीने। और सुनो फिर भी, चलो मान लो हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है, क्या इनका फर्ज नहीं बनता आगे आए और बताएं, डॉक्टर विनय की संतुष्टि करें। डॉक्टर विनय आ जाओ जी, डॉक्टर विनय की संतुष्टि हुई नहीं? बिल्कुल नहीं, आज के भी रिफंड के बारे में, क्योंकि कोई ना ये रिसिप्ट देते हैं कि भाई हमने आपके पैसे ले लिए हैं और हम आपको रिफंड कर देंगे और इस तारीख तक नहीं आए तो अच्छा, हम रिसिप्ट भी नहीं होती, रिसिप्ट नहीं होती। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं भी, यदि ये कहते हैं कि आपके पैसे कट गए आपके, हमें मतलब नहीं है, ये 7 दिन में अपने आप आ जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। पिज्जा के चक्कर में आप दोबारा पेमेंट डाल देते भाई? हाँ भाई, आपका पिज्जा अगर आपने, अब देखिए कोई भी बंदा जो है अपनी फैमिली के साथ, अगर बोला कुछ जी, उन्होंने कहा कि अगर आपको पिज्जा लेना है तो आपको दोबारा पैसे जमा कराने होंगे। फिर मैंने इनसे कहा कि 15 फरवरी को मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, आप चेक करके बताइए। कहते कि हम वो चेक नहीं कर सकते, आप अपनी जाके बैंक स्टेटमेंट में चेक करो, मैं स्पेशली जाके बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करा के। गर्म है, हालांकि मौसम में ठंडक है, लेकिन इस मुद्दे ने गर्माहट पैदा कर दी, इतनी गर्माहट पैदा कर दी, शायद अब मैं बोल रहा हूं तो मेरे को भी बोलते वक्त पसीने आ रहे हैं, क्योंकि मुद्दा गर्म है, मुद्दा इतना गर्म है जिस तरह गर्मा गर्म पिज्जा आपकी टेबल पर आता है ऑर्डर के बाद, और वो आपको यदि खाने के बाद पता चले आपकी अमाउंट डिडक्ट होगी और ये मना कर देते हैं, हमारे पास कोई अमाउंट नहीं आई है, दोबारा से आपसे ये कह के पिज्जा तभी देंगे जब आप दोबारा अमाउंट डालोगे, फिर उलझा देते हैं, मेल कर देंगे, आपकी शिकायत आगे फॉरवर्ड कर देंगे तारीख पे तारीख। तो हम इस पड़ताल को लाइव करते हुए अंदर घुसे थे, लाइव करते हुए बाहर आ गए, और इस पड़ताल में हमारी में ये निकल के आया, डॉक्टर विनय को न्याय नहीं मिला है यहाँ पे, और ये हमारे एक पत्रकार भी हैं और साथ में एक उपभोक्ता भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पे। आज हम खुद एक खबर हैं और हम दर्शकों को कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और इन सबूतों पर छोड़ करके हम जाएंगे, मैं कैमरामैन अमित गणगस को कहूँगा आए और ये सबूत शेयर करते रहना भाई। एक बार पीछे ले जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।